हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटपटा एक कप सूजी से नाश्ते की रेसिपी। और ये नाश्ता बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और ये ले रही हूँ मैं एक कप सूजी। तो सूजी यहाँ पे आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच दही। तो मैंने छोटी 3 स्पून दही लिया है। आप दही की जगह नींबू का रस भी ले सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच शक्कर। शक्कर से हमारे नाश्ते का बैलेंस अच्छा रहता है। और ये डाला है मैंने 1 चम्मच घी। तो घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हो। और शक्कर डालने के बाद नाश्ता बहुत ही अलग लगता है खाने में, एकदम टेस्टी। और ये मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैंने दही भी डाला है। यदि आप नींबू का रस डाल रहे हो तो फिर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला इससे। अब इसको हम बारीक सा चिकना सा पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे, मतलब जो बैटर बनाया है इसको। तो ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही पतला है। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, मैंने ये सूजी में 1 कप पानी डाला था तो थोड़ा पतला लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी और डाली है यही चम्मच से। तो इस तरीके से बैटर रखना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। तो मैंने सभी चीज़ कम कम ली है क्योंकि बैटर भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तीखा आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और फ्रेंड्स वेजिटेबल्स आप गाजर भी इसमें डाल सकते हो ग्रेट करके। ये मैं डाल रही हूँ चुटकी भर हल्दी। तो हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो नाश्ता पीला पीला ज़्यादा हो जाएगा। और ये लाल मिर्ची डाली आधा चम्मच, 1 चम्मच डाला है कच्चा जीरा। और ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से नाश्ता अलग ही लगता है खाने में, मालूम नहीं चलता है कि किसका नाश्ता बनाया क्योंकि खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है चाट मसाला। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो अभी मैंने धनिया नहीं डाला है। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैटर को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इनो। तो इनो की जगह आप मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी। पानी से क्या इनो अच्छे से फूल जाता है, तो ये थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रखें इनो मिलाने के बाद में बैटर को नहीं रखें, तुरंत ही नाश्ता बना लें, नहीं तो इनो इतना काम नहीं करता बाद में। और ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, हल्का सा मिला के तुरंत नाश्ते को बना लेना है। तो इस तरीके से बैटर रखना है। देखिए वेजिटेबल्स बनने के बाद में ना ही ज़्यादा पतला लग रहा है ना ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। अब लेके चलते इसे गैस की तरफ। तो मैंने गैस पे यहाँ पे पैन रख दिया है। हाँ, पैन की जगह कढ़ाई वाला पैन भी ले सकते हो। मतलब मैंने तवा लिया है और 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। इसके ऊपर से 1 चम्मच मैंने उड़द दाल डाली है, 1 चम्मच मसूर दाल डाली है, बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते डाले हैं। और ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तिल। तो फ्रेंड्स गैस को थोड़ा स्लो रखें, मैंने गैस थोड़ा तेज़ कर दिया था तो दालें ज़्यादा पक गई है। और इसके ऊपर से हम बैटर डाल देंगे इस तरीके से। तो मैं 2 कड़छी बैटर डाल रही हूँ क्योंकि मैं बड़ी साइज में बना रही हूँ। आप यदि छोटा साइज का नाश्ता बना रहे हैं तो 1 कड़छी भी डाल सकते हो। और ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि हमने इसके ऊपर दाल डाली है ना, इससे नाश्ता जब खाएंगे ना तो एकदम कुरकुरा लगता है। तो सिकने के बाद मैंने ऊपर से तेल लगा दिया है और इसे पलट लिया है। तो आप देख सकते हो नाश्ता नीचे से कितने अच्छे से सिक गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। अभी हम देख लेते हैं, नीचे से अच्छे से पक जाता है ढकने से और जल्दी भी पक जाता है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा सूजी का नाश्ता। अब मैंने पैन को साफ कर लिया है और 1 चम्मच तेल फिर से डाल दिया। अब इसके ऊपर से मैंने उड़द दाल और मसूर दाल डाली 1 चम्मच, कड़ी पत्ते डाले हैं 1 चम्मच, मैं डाल रही हूँ तिल। और इस तरीके से इसके ऊपर भी हम बैटर फैला देंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो ये जो दाल का इनका तड़का लगाया है इसको बैटर में डाल के भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से बनाने से एकदम ऊपर ऊपर लगेगा और ये खाने में कुरकुरा लगेगा और अच्छा भी लगता है इस तरीके से। ये देखिए
तो इस तरीके से अच्छे से बन गया है ये, और मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब इसे भी हम पलट लेंगे। ऊपर से अच्छे से सिकने के बाद में मैंने ऊपर तेल लगाया हल्का सा, आप तेल की जगह घी भी लगा सकते हो। और इस तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। तो अच्छे से सिक गया है, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो मैंने अच्छे से दोनों नाश्ते बना लिए। इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ बैटर का भी नाश्ता बना लेंगे। तो मैंने पूरा नाश्ता बना लिया है, और बहुत ही अच्छे से बन जाता है ये नाश्ता, और ज़्यादा बनाने में झंझटबाजी भी नहीं है। अभी आपको मैं बता देती हूँ कि बहुत ही मुलायम बना है। और आपको ये नाश्ते की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरे नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बना है, और एकदम कुरकुरा भी है, और बहुत ही मुलायम बना है। ऐसा भी नहीं है कि टाइट टाइट नाश्ता है। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है, एकदम मुलायम है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।